तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि YouTube सब्सक्राइबर हम कैसे हाइड कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, काफ़ी लोगों को अपने सब्सक्राइबर किसी को शो नहीं करने होते, क्योंकि अभी अभी नया नया चैनल ओपन किया है, तो इसलिए वो हाइड करना चाहते हैं पर उन्हें पता नहीं होता। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं कि कैसे YouTube सब्सक्राइबर हाइड किए जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी तरह की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद हमें सर्च बार में youtube.com सर्च करना है। जैसे हम सर्च करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे तरह का पेज ओपन होकर आएगा। फिर दोस्तों, हमें मोबाइल की स्क्रीन को डेस्कटॉप मोड में ऑन करना है। तो हमें सिंपल से जो ऊपर तीन डॉट दिखाई दे रहे हैं उस पर क्लिक करना है और डेस्कटॉप साइट जो है उसे इनेबल कर लेना है। तो हमारे पास कुछ इस तरह से जैसे लैपटॉप या कंप्यूटर में क्रोम ब्राउज़र शो होता है वैसे शो होने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे पहले तो हमारे चैनल के क्रिएटर स्टूडियो में जाना पड़ेगा। तो हमें अब हमारे चैनल के आइकन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद हमें क्रिएटर स्टूडियो में जाना है। क्रिएटर स्टूडियो में आने के बाद दोस्तों, हमें सिंपल से नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जो सबसे नीचे जो सेटिंग का आइकन बना हुआ होता है ना, उस पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, सेटिंग में आ जाने के बाद हमें चैनल के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। चैनल के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें एडवांस सेटिंग में जाना है। एडवांस सेटिंग में आ जाने के बाद हमें नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमें दिखाई देगा सब्सक्राइब काउंट। तो सब्सक्राइब काउंट पर जो एरो की टिक होती है ना, वो हमें निकाल देनी है। तो जैसे हम वो निकाल देंगे ना, तो हमारे डिस्प्ले पे जो सब्सक्राइबर काउंट है ना, वो शो नहीं होंगे, हाइड हो जाएंगे। तो इसी तरह से दोस्तों, हमें सब्सक्राइब काउंट हाइड या शो करने होते हैं। तो बस यही सिंपल सी ट्रिक है दोस्तों, अपने सब्सक्राइब काउंट हाइड करने के। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर कहीं से नए आए गए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही लगे बेल का आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट से मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।